टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लाइमोग्राफ। भूगोल प्रायोगिक में का क्लाइमोग्राफ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, इस पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में प्रश्न बनता है। क्लाइमोग्राफ हम बनाते क्यों हैं? क्लाइमोग्राफ बनाने के पीछे कारण ये होता है कि किसी भी क्षेत्र का आद्र बल्ब तापमान और अपेक्षित आर्द्रता, आद्र बल्ब तापमान जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाया जाता है और अपेक्षित आर्द्रता जो कि प्रतिशत में दर्शाई जाती है, उसे दर्शाने के लिए इन आंकड़ों को हम ग्राफिकल तरीके से दर्शाने के लिए क्लाइमोग्राफ बनाते हैं। क्लाइमोग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ये आंकड़े होने जरूरी है, 12 महीनों के आंकड़े होने चाहिए, 12 मंथ के। हम इसमें ना आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसमें ये आपके पूरे डाटा आपके पास होते हैं, महीने के नाम दिए होते हैं, आद्र बल्ब तापमान आपके पास दिया हुआ होता है, अपेक्षित आर्द्रता आपको दी हुई होती है। इसके बाद सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको पैमाना लेना होता है कि आप किस पैमाने पर बना रहे हो। OX और OY, हम यहाँ OX पैमाने पे लेते हैं। OX जो पैमाना हमने लिया है, 1 सेंटीमीटर या 1 खाना बराबर 5 अपेक्षित आर्द्रता, और OY पे भी हमने लिया है 1 बड़ा खाना बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो ये हमारा पैमाना हो जाएगा OX OY, 1 खाना बराबर 5 यहां डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और यहां ये प्रतिशत आर्द्रता हो जाएगी। यहां तक आप लोगों को किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं है? कोई नहीं सर। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 by 1 month की शुरुआत करेंगे, और क्लाइमोग्राफ और हिदर ग्राफ में ये भी डिफरेंस होता है कि हिदर ग्राफ के समय में ये चारों स्थितियां नहीं लिखी जाती है, स्कोर्चिंग, मगीज, रॉ और कीन। इन शब्दों की व्याख्या मैंने अपने वाइवा वाले में आपको डिटेल से बताई थी कि ये आद्र बल्ब तापमान यानी तापमान की विभिन्न दशाओं को दर्शाने वाली चारों दशाएं हैं। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? जनवरी मंथ में हमने देखा आद्र बल्ब तापमान 14 है और अपेक्षित आर्द्रता 27 है। आद्र बल्ब तापमान ये दिया हुआ है यहाँ, ये हमारा यहाँ पे 14 यानी ये 1.5 को दिखा रहा है, तो यहाँ ये 14 बनता है और अपेक्षित आर्द्रता है 27 यानी 25 और ये 2 26 27। यहाँ से ये ग्राफ यहाँ ऊपर जाएगा और यहाँ इस तरफ से ये ऊपर आएगा। हम स्केल की सहायता से जब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और जब ग्राफ पेपर होता है तो सीधा ये लाइन हमें मिल जाती है। हमें सिर्फ इतना बिंदु लगा के नहीं छोड़ना, हमें इसके पास में इसका मंथ का हम नाम लिख देंगे कि ये है जनवरी मंथ को शो करता है। दूसरा जो बिंदु हम लिखे फरवरी, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और 38 अपेक्षित आर्द्रता है, तो 15 में यहां हमने ये लिया 15, ये थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाएगा और यहाँ ये 38 है, तो ये 14 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और 38 35 6 7 8 यहाँ ये ऊपर आके इससे ये मिलता है ये बिंदु। यहाँ पे हम इसे फेब, जनवरी के बाद ये दूसरा जो मंथ है वो हमारा, ये हमने फरवरी इसको शो किया। उसके बाद मार्च में 16 डिग्री अपेक्षित ये आद्र बल्ब तापमान दिया हुआ है और 23 डिग्री अपेक्षित आर्द्रता दी है, तो हमने ये 16 डिग्री तापमान में यहाँ लिया और अपेक्षित आर्द्रता जो हमें 23 दी हुई है यहाँ से हम स्केल की सहायता से आगे लेंगे और यहाँ ये 21 22 23 यहाँ इस जगह ये बल्ब मिल जाएगी। फिर ये हो जाएगा हमारा मार्च। उसके बाद में अप्रैल, जो कि ये 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया हुआ है और 22 अपेक्षित आर्द्रता दी हुई है, ये 19, यहाँ पे ये 20 से पहले 1 ये 19 हो जाएगा और इधर 22, तो यहाँ ये 23 से थोड़ा सा पहले इस जगह ये मिलेगा यहाँ पे ये, और इस तरफ से ये 19 यहाँ से ऊपर आ जाएगा अप्रैल महीने में 19, तो ये हो गया और 22 अपेक्षित आर्द्रता हो गई, तो ये अपेक्षित आर्द्रता यहाँ इस जगह ऊपर ये मिलेगी 19 से थोड़ा सा राइट यहाँ पे, ये मार्च अप्रैल। अब देखो ये बहुत पास होती जा रही है, हमें इसमें सभी मंथ को आपस में मिलाना है, तो या तो हम ये कर सकते हैं 12 महीनों के नाम लिख के ये पॉइंट सारे डिसाइड करने के बाद फिर स्केल से मिलाएंगे, और हमें कंफ्यूजन ना हो तो हम साथ साथ मिला सकते हैं स्केल के साथ। स्केल रखेंगे जनवरी और फरवरी वाले बिंदु को हम इस तरह से मिला देंगे, फरवरी को मार्च से मिला देंगे, मार्च को अप्रैल से मिला देंगे यहाँ ये मार्च वाला बिंदु है और ये ऊपर अप्रैल वाला बिंदु दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ ये नजदीक नजदीक होने से हमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना है
जनवरी, फरवरी, मार्च और ये पास में हो गया अप्रैल। अप्रैल के बाद में फिर है मई, जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को दिखाता है, और इधर 28। 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 20 से थोड़ा नीचे रहेगा, और यहाँ मई में आगे जा रहा है 28 यानी 28। यहाँ पे ये इस जगह ये यहाँ पे पहुंच जाएगा अप्रैल के बाद में। ये हमारा जो मई मंथ है, ये मई को दिखा रहा है, ये अप्रैल है, और फिर अप्रैल को मई से मिला देंगे। मई के बाद में हम नेक्स्ट जून वाले महीने का देखेंगे। जून में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिखा रहा है और 43 डिग्री अपेक्षित आर्द्रता। 25 डिग्री ये तापमान ये हो गया, और 43 अपेक्षित आर्द्रता ये यहाँ इस जगह हो गई। तो ये 43 यहाँ से इस तरफ ऊपर, और यहाँ से ये दोनों बिंदु जहाँ मिलते हैं, हमने यहाँ पे ये बिंदु लगा दिया। और मई के बाद में जो हमारा नेक्स्ट जून, इसको हमने इससे इस तरह से मिला देंगे। जून के बाद फिर जुलाई वाला पोर्शन जो कि 26 आर्द्रता को दिखा रहा है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को दिखा रहा है और आर्द्रता है 49। तो यहाँ 26 ये इस जगह हो जाएगा और आर्द्रता है 49, तो ये थोड़ा सा ऊपर इस जगह आगे बढ़ जाएगा, और ये 49 50 से पहले यहाँ पे इस जगह ये मिलेगा। तो ये हमारा हो गया जून, और ये जुलाई। जून को हमने फिर जुलाई से मिला दिया स्केल की सहायता से। जुलाई के बाद में फिर अगस्त दिया हुआ है 25, और इसमें 50 दिया हुआ है। तो ये जुलाई के जस्ट बाद ये 25, और ये जस्ट आगे 50, ये बिल्कुल पास में हो जाएगा। जुलाई के बाद में ये अगस्त, जो कि ये एयूजी अगस्त। अगस्त के बाद में फिर सितंबर 24 और 48। 24 यहाँ हो जाएगी और 48 ये यहाँ जस्ट इसके पास में ही आएगी। तो ये हमारा अगस्त के बाद में ये 48 यहाँ इस जगह थोड़ा सा नीचे रहेगी। यहाँ हम देख रहे हैं ये 24 और 48, तो 25 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगी, और 48 यहाँ ये इस जगह आ जाएगी। तो ये फिर इस यहाँ अगस्त सितंबर से मिल जाएगा। सितंबर के बाद में अक्टूबर 20 और 21, ये 20 दिया हुआ है और 21 ये यहाँ इस जगह आ जाएगा। तो ये 20 और 21 ये सामने इस जगह मिलता है। तो ये जो सितंबर वाली चीज है, फिर ये यहाँ से यहाँ इस जगह मिल जाएगा 21 से। फिर उसके बाद में नवंबर 16 और 14, 16 डिग्री आर्द्रगर्भ तापमान दिया है और 14 आर्द्रता दी है। तो ये नवंबर में 16 यहाँ ले लिया हमने, और ये 14 ये 4 और ये यहाँ इस जगह मिल जाएगा। और फिर आगे ये जो हमारा सितंबर वाला था, ये फिर आगे अक्टूबर से आके इस तरह से हम इसको मिला दें, सॉरी अक्टूबर यहाँ था, अक्टूबर से नवंबर को मिला देंगे। फिर दिसंबर में 15 और 26, यानी 15 ये और 26 हमारा ये इस जगह बनता है, ये दिसंबर। तो ये नवंबर वाले बिंदु को दिसंबर से मिला देंगे, ये पूरा मिलने के बाद दिसंबर को जनवरी से मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्लाइमोग्राफ बनता है। क्लाइमोग्राफ बनाते समय हमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि हम आर्द्रता और अपेक्षित आर्द्रता और आर्द्रगर्भ तापमान जैसे ही निकालते हैं, उस बिंदु पे महीने का नाम लिख दें, और जनवरी को फरवरी, फरवरी को मार्च, मार्च को अप्रैल, अप्रैल को मई, मई को जून, जून को जुलाई, और इस तरह से आपस में इन महीनों को मिलाना है। कोशिश ये करें आप जब भी बनाते हैं जनवरी को फरवरी साथ साथ मिला करें, ताकि लास्ट में जब आप इन बिंदुओं को मिलाएं तो आप में कंफ्यूजन नहीं हो। इस तरीके से आपका ये क्लाइमोग्राफ कंप्लीट होता है। क्लाइमोग्राफ बनने के साथ ही आपको स्कोर्चिंग, मगीज, रॉ और कीन, इनका डायरेक्शन भी ध्यान रखना है, कौन सा किस दिशा में है, इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।